अक्षय कुमार की इमेज कुछ दिनों से पूरी तरह से परिवर्तित हो चुके हैं। एक्शन हीरो बन चुके हैं और लंबे समय से कॉमेडी करते आ रहे अक्षय कुमार ने अब एक डिफरेंट लेवल की मूवीज करना शुरू कर दिया है। उन्होंने ए लिफ्ट में संजीव कटियाल के करेक्टर को प्ले किया, जो कि एक सच्ची कहानी थी। उसके बाद वो रुस्तम में नजर आएंगे, वो भी एक बायोपिक मानी जा रही है। और अब एक और बायोपिक के लिए अक्षय कुमार तैयार हो चुके हैं। ये बायोपिक है, जी हाँ, आपको बता दें कि अक्षय कुमार एक और बायोपिक में नजर आएंगे। मंजू भारती बनाना चाहती हैं एक एटीएस चीफ की बायोपिक, और ये एटीएस चीफ हैं केपी रघुवंशी। जी हाँ, महाराष्ट्र में केपी रघुवंशी को सभी जानते हैं, एक ऐसे पुलिस ऑफिसर जिन्होंने नक्सलियों का सफाया कर दिया पूरे महाराष्ट्र से। केपी रघुवंशी की भूमिका को हमेशा याद किया जाता है। आपको बता दें कि केपी रघुवंशी ने जब नक्सल से निपटने के लिए टीम का गठन किया था, तो उन्होंने अपनी टीम का नाम रखा था C60, और यही नाम C60 अक्षय कुमार की नई आने वाली मूवी को दिया गया है। ऐसे ही लेटेस्ट गपशप के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे ये चैनल।